हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा रिश्तों में गुम होते मिठास। सभी रिश्ते में जो प्यार और जो इज्जत था एक दूसरे का, वो कहीं लगता है खो सा गया। आप देखिए, अपने घर में ही, छोटे परिवार में, छोटे फैमिली में ही, बाप बेटे के साथ वो प्यार, वो जो दुलार है, वो नहीं रह गया है। ऑफिस से आके वो अपने कमरे में टीवी ऑन करके, मोबाइल करके देखते रहता है। अगर उसके उसके फादर भी हैं, वो भी अपना मोबाइल देखते रहते हैं। एक तो मोबाइल में सब अपना व्यस्त रहते हैं। उसी तरह हर रिश्ते में, भाई बहन में भी वो वाली प्यार नहीं रहा, मिठास लगता है कहीं हमारे समाज में खो गया है, कहीं गुम हो गया है। एक दूसरे का परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया। सब इतना व्यस्त हैं अपने अपने जिंदगी में कि रिश्ते का कदर करना ही छोड़ दिए। अब भाई बहन है, वो बहन जो है, अगर जब तक शादी नहीं हुआ, फिर भी भाई अपने ऑफिस में बिजी है, बहन भी अपने में, कभी बात कर लिया, टेबल डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा लिया तो ठीक है। वो क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कोई किसी को लेना देना नहीं, अपने अपने काम में है। पापा से भी बात नहीं करना, ऑफिस से आ रहे हैं, मर्जी अपना फ्रेंड के पास चले गए, मर्जी बाहर निकल के चले गए। तो इस तरह करके एक डिसिप्लिन भी खराब हो रहा है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट का भावना भी कम हो गया है पूरा। और भाई बहन में अगर शादीशुदा बहन है तो राखी के दिन ही वो उसका याद आता है भाई को कि राखी बंधवाना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। फ़ोन में भी नहीं किया कि तुम कैसी हो दीदी, या छोटी बहन तुम कैसी हो, या मेरा भांजा भांजी कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो माँ बाप से भी एक फॉर्मल रिलेशन हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि समाज में इतना प्यार की कमी क्यों हो गई है, क्या कारण है कि सबके दिलों में दूरी आ गया है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं सब। फोन तो मिलना तो दूर की बात है, अगर फोन भी कर लें तो भी कोई बात है, तो मिलने से कतराते हैं, कहीं जाना नहीं जाना। अगर तो इस तरह बहन का भी है कि वो भी अगर रक्षाबंधन में एटलीस्ट भाई के पास आके राखी बांधे, मिलने जुलने से तो प्यार बढ़ता है। लेकिन अगर दिल में प्यार मोहब्बत रहेगा, मिठास रहेगा रिश्तों में, तभी तो आपस में एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। किसी किसी से तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी जाके मिलना चाहिए, मतलब आपका उससे मिलने का इच्छा करता है। तो वो इच्छा सबके अंदर जागृत होने का जरूरत है, रिश्ते में मिठास पैदा करने का जरूरत है। अब अगर भाई बहन में ही आपस में मिठास नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ प्यार नहीं रहेगा, तो चाचा का लड़का हुआ, ताऊ का लड़का हुआ, मौसी का बेटा हुआ, बुआ का लड़का हुआ, और भी रिश्ते में हुए, तो उन लोग से भी तो सबसे रिश्ते तो एक फॉर्मल तो सबके साथ निभाना पड़ता है। पहले तो मौसी ताऊ सबके भाई बहन के रिश्ते दूर दूर तक चलते थे, बट अब व्यस्तता के कारण अब नहीं चल पा रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब कम से कम अपने घर में जो भाई बहन है, इन लोग में या भाई भाई हैं, इन लोग से आपस में बहुत प्यार से रहें, ताकि कोई परेशानी किसी को आए तो दूसरा दोनों मिलके किसी चीज़ को, क्या बोलते हैं कि एक लकड़ी को कोई तोड़ देता है, अगर लकड़ी का बंडल रहता है, गुच्छा रहता है, तो उसको नहीं तोड़ पाता। तो यूनाइट बन के रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे के लिए इज्जत की भावना रखिए। माँ पिताजी से भी कोई भी आपको परेशानी है तो अपने माँ पापा से भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाइयों से कर सकते हैं, वो आपका सगा है। एक दूसरे के साथ आप लोग बचपन से बड़ा हुए हैं, तो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से आप जानते हैं। अगर आपस में प्यार नहीं रहेगा तो वो जो दूसरे घर से लड़कियां आती है, या लड़की का शादी होता है, दूसरे घर से वो लड़का आता है, उसका भी सेम भावना रहता है, वो भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करता है।
तो ये वाला भावना जो है ये क्यों हमारे समाज में हमारे परिवार में पनप रहा है कि एक एक दूसरे से का से कतराते हैं मिलने के लिए, एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को बोझ समझते हैं, उससे मिलना नहीं चाहते हैं, बस हो गया ओके ओके ठीक है। तो इतना सीमित हो जाने से वो बहुत बुरा असर पड़ेगा उससे। इसी कारण है कि आज आप देखिए कि एक दूसरे के लिए वो भावना नहीं रहा कि हम जो है किसी को हेल्प करें, कोई मदद करें किसी को, या कोई मेरे को मदद करेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अकेला अकेला पड़ जाता है सब। तो मेरा तो यही अनुरोध है आप लोग सबसे कि रिश्ते को बचा के रखिए, रिश्ते की मिठास को गुम नहीं होने दीजिए। वो जो है बहुत काम आता है, आपको खुशी देता है। नहीं तो ऐसे ही माँ बाप को भी खुश रखिए। एज जो है ऐसे ही बीमारी तरह तरह के होने का चांस होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है। आजकल तो यंग एज में भी बहुत तरह के हार्ट अटैक, तो अभी मैं कितने का फेमस फेमस जो है पर्सनैलिटी है हार्ट अटैक से खत्म हो गया। कारण है कि मिलना जुलना कम, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कम। तो वो जो है वो जो टेंशन है, वो जो परेशानी है, उसको झेलने अकेले झेलने की शक्ति उसमें नहीं रहता है। शरीर तो आप जिम जाके पत्थर का बना लेते हैं, लेकिन दिल तो उतना ही कोमल होता है। दिल तो कहावत है, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल सबका बच्चा होता है, उतना ही कोमल होता है। हर किसी को मिलना अच्छा लगता है, हर किसी को बातें करना अच्छा लगता है, हर किसी को एक दूसरे के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। पर क्या ईगो है, क्या चीज है आप लोग के बीच में जो मिलना नहीं चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं? आप देखिए भाई बहन अगर आपस में मिलते हैं तो घंटों बात करते हैं, ये हुआ पुराना, 20 साल पुराना, 25 साल, जिसका जिस एज का है भाई बहन, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, किसी बात को लेके आपस में बैठते हैं, ये हंसते हैं। तो इस तरह का कितना प्यार मोहब्बत होता है, उसको आप लोग बरकरार रखिए, मिलिए जुलिए, और उससे परेशानी कम होगा। नहीं तो आजकल कम कम एज में ही इतना बीमारी से ग्रसित हो रहा है सब, नवयुवक सब, नया नया बच्चा, न्यू न्यू एज का, 40 35 एज में हार्ट अटैक। कारण क्या है कि बहुत सारा प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, जॉब का भी आजकल शॉर्टेज चल रहा है, बिजनेस है तो बिजनेस में भी बहुत कंपटीशन है, और भी हर जगह में बहुत बहुत टेंशन है। तो आपका परिवार किसको बोलते हैं? परिवार इसको बोलते हैं कि जहाँ आप रिलैक्स होके आ सकते हैं, टेंशन रिलीज होता है, आप अपने माँ बाप से डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, ये हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सलाह देंगे, उनका जो अपना जीवन का अनुभव होगा उससे आपको सलाह देंगे कि ये सही है ये गलत है। तो थोड़ा तो आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा तो आपको लगेगा कि ये इसका ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आप परेशानी अगर बाहर हो तो आप घर में आकर आपस में इतना बना के रखें कि एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, बात करें कि ये परेशानी है, ये है, इसका क्या होना चाहिए। तो ये इससे आप भी ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे, आपको हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, आपको और भी कुछ परेशानी है तो उससे बचे रहेंगे। इसीलिए आपस में बनाव रखें और फैमिली में एक दूसरे से बात करें, मिठास को गुम नहीं होने दें, उनको मिठास को बरकरार रखें, जिसके कारण आपका भी फिजिकली फिट रह सकते हैं, मेंटली आप जितना हंसेंगे, जितना बातें करेंगे, जितना मिलेंगे जुलेंगे, उतना आप हेल्दी लाइफ जिएंगे, आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ सब है। लड़कियों, कुछ कुछ लड़कियों को होता मैं अकेले रहूं, बट मुझे लड़कियों से भी उससे भी है रिक्वेस्ट है कि जितना पूरे फैमिली में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है किसी बात में, सब मिलके किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम का हल मिल बैठ के ही हो जाता है। इसीलिए ईगो को हटा दो, आपस में आप लोग मिलो, और ये जो मिठास गुम हो रहा है उसको आप नहीं गुम होने दें।
और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कहीं सारा प्रॉब्लम का हल एक साथ निकल सकता है। इसीलिए सब जगह प्यार बांटें, प्यार से रहें और अपने घर को भी प्यार से बना के रखें। छोटा सा घोंसला है, उसे प्यार से उसको सजोएं, क्योंकि उसके आपके माँ पिताजी ने बहुत प्यार से उसको बनाया है। तो आप लोग भी भाई बहन और भी मिलके प्यार से उस घोंसले को बरकरार रखें। बस आज के लिए इतना ही, और आगे दूसरे वीडियो में अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।